हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो मैं एक और मूवी का रिव्यू लेकर आ गया हूँ आपके पास। इस मूवी का जो नाम है वो है सैल्यूट। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी को ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है। और इसे आज रात मतलब कि 18 की रात 12 बजे इसे रिलीज़ करना था, पर उन्होंने सोचा कि होली पर क्या ही मजाक कर लेता, तो इसे आज ही दिन रिलीज़ कर दिया शाम में कुछ पहले। तो आप हम बात करने वाले इस मूवी के बारे में कि इसकी जो हिंदी डब है वो कैसी है, इस फिल्म की जो स्टोरी है वो किस पे फोकस करती है, और क्या आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो अब मैं बात करता हूँ इस पूरी मूवी के बारे में। तो सैल्यूट मूवी है, इस मूवी का नाम है, जिसमें स्टारर में दलकीर सलमान और कई सारे कास्ट हैं। और मूवी फोकस करती है एक क्राइम थ्रिलर के रूप में। तो इसमें प्लॉट सिंपल सा प्लॉट रखा गया है। इस मूवी की जो स्टोरी है सिंपल फोकस करती है एक पॉलिटिशियन के ऊपर। एक पॉलिटिशियन की हो जाती है मर्डर, उसके बाद में अपॉइंट किए जाते हैं जो दलकीर हैं हमारे अरविंद नाम है इस सैल्यूट मूवी में, तो इनको वो केस हैंड ओवर किया जाता है। वो इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कोल्ड केस है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से उस केस को हैंडल करते हुए लास्ट तक ट्रूथ को मतलब कि हमारे पास लाते हैं, इसी पे पूरी मूवी बेस्ड है। और कुछ भी इस पे नहीं है, टिपिकल स्टोरी है इसकी। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये मूवी आप जब देखिएगा 2 घंटा 23 मिनट की ये मूवी है, मगर जब फिल्म की जो शुरू की मतलब आधा घंटा का जो समय ना वो स्लो पेस लगती है और क्राइम थ्रिलर को बताने में थोड़ा लेट करती है। पर फिल्म जब आप मतलब इस मूवी को पूरा देखने को उतना हिम्मत कर लेते हैं, उसके बाद फिल्म आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ वो ग्रिप और जो कॉप का रोल वो प्ले कर रहे हैं वो आपको जो एक्साइटमेंट देके जाएगी वो पूरी फिल्म आपको होल्ड करने वाली है। फिल्म के बारे में यही कहूंगा, कॉप के ऊपर में थम्स अप है। क्या फिल्म में एक्टिंग की परफॉर्मेंस है, सबकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। बस फिल्म की ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये कहीं ना कहीं स्लो पेस लगती है शुरुआती स्टेज पर, बाकी फिल्म ओवरऑल काफी अच्छी है। अगर फिल्म में एक ही बात और अच्छी लगती है इस मूवी के, यहां पर ना नो वल्गैरिटी, नो मतलब सॉन्ग्स और नो कुछ एकदम ग्लैमरस के रूप में डालने के लिए, क्योंकि पता है ओटीटी पर रिलीज वाली फिल्म ने ज्यादातर ना वल्गैरिटी में और सेक्स ऐसे इस टाइप के जो सीन्स डालकर फिल्म को जो मतलब कि हाइप मचाया जाता है, इस टाइप से इस मूवी पर नहीं है। आप लोगों को पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं और फिल्म आपको एंटरटेन भी करेगी। और आप अगर क्राइम थ्रिलर इस टाइप की मूवी आपको मिस्ट्री वाली फिल्म आपको पसंद होगी तो आप लोग इस मूवी को बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। शुरुआत को अगर आप 25 मिनट थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दें तो फिल्म आपको बेहतरीन एक्सट्रीमली मतलब कि हाइप जो मूवी है वो आपको एंजॉय करा के जाएगी, एंटरटेन करवा के जाएगी। बाकी आप लोगों को ये अगर मूवी देख ली होगी तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी बारे में और क्या अच्छा नहीं लगा। उसके बाद नेक्स्ट किसी मूवी की रिव्यू और मूवी की अपडेट के लिए मैं आपके पास बना रहूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।